जय सियाराम, राधे राधे। क्या जी, आज का विचार भारत विचार में सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन द सुमित पीर शो में। और हमेशा की तरह मेरा निवेदन आपसे यही रहेगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का, और हमारे चैनल को बढ़ने में सहायता कीजिए। आपका बहुत साधुवाद और आभार रहेगा। आते हैं आज के विषय पर। आज जो विषय आपके लिए लेके हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, ये रशिया कहता है। मेरी चार प्रेडिक्शंस और इसी पे भारत करेंगे हम भारत विचार। देखिए, रशिया के जो फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर है दिमित्री मेडवेव साहब, उनके बारे में एक चीज बड़ी मानी जाती है कि ही इज अ वेरी हॉकिश पर्सन और बहुत बहुत चीजें बोलते हैं। और कल उनके तरफ से एक धमकी आई है, जिनका ये माना जाता है, अगर आप रशियन सिस्टम को समझे तो उन्होंने धमकी दी नहीं, उनसे धमकी दिलवाई गई है। धमकी क्या है और इससे क्या इम्प्लीकेशन है, ये आप बता देते। फिर चार इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन मैं बताऊंगा अपनी, जो शायद आप और हम सब के लिए बहुत यूजफुल होंगी, और मैं आशा करूंगा कि आप उनसे कुछ फायदा उठा पाएंगे। देखिए, पहली चीज है, दिमित्री साहब कहते हैं कि जी देखो, ये जो रशिया में, ये जो यूक्रेन में एस्केलेशन वगैरह हो रही है, अच्छी बात नहीं है। रशिया के पास बहुत विकल्प है यूज करने को, जो न्यूक्लियर ना हो के पर न्यूक्लियर जैसे घातक है। मतलब एक ऐसा बॉम्ब और एक ऐसा विकल्प जो रशिया, जो यूक्रेन को घुटनों पे ला सकता, पर वो न्यूक्लियर नहीं है, पर न्यूक्लियर जैसा घातक माना जाता है। अगर आप सोचेंगे ये कौन सा बॉम्ब है यार जो न्यूक्लियर नहीं है, न्यूक्लियर जैसा घातक माना जाता है, पर उसमें एक चीज जो जरूर है, एक चीज जो जरूर अभी अच्छी है उसमें, कि भाई चलो कुछ तो ऐसा है जो न्यूक्लियर की बात नहीं कर रहे हैं। पर ये डाइवर्जनरी टेक्टिक भी हो सकती है, एक भ्रम फैलाने का प्रयास भी हो सकता है। मतलब वी शुड नॉट गो एंड टेक हिम ऑन द फेस वैल्यू। वो कह रहे हैं कि भाई जो बॉम्ब है जो हमारे पास, जिसकी हम परिकल्पना कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ फादर ऑफ ऑल द बॉम्ब्स। फादर ऑफ ऑल द बॉम्ब्स ये होता है, ये 7100 किलो का, 7100 किलो का बॉम्ब है। ये थर्मोबारिक बॉम्ब बोलते हैं इसे। ये मतलब बेसिकली क्या है, ये आसमान में फटता है, थोड़ा कुछ 100 फीट ऊपर ऑन द ग्राउंड फटता है, और इसमें 44 टन, 44 टन TNT का यील्ड होता है। तो मतलब बहुत भयंकर बॉम्ब है, और जो आगे था जान माल जो भी है, जो भी स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट हार्ट, सबको ध्वस्त कर देगा, बिकॉज इट एक्सप्लोड्स ओवर द एयर। तो ये जो वेव्स बनाता है, ये ओवर द एयर बनाता है। वैसे एटम बॉम्ब भी जो है या कुछ भी है, वो भी ओवर द एयर, वो जमीन से टकरा के डेटोनेट नहीं करता, जमीन से कुछ 100 फीट ऊपर डेटोनेट होता है, और वो एयरवेव ऐसे छोड़ता है जिससे सारा बर्बाद हो जाता है। इट इज नॉट एज पावरफुल एज एटॉमिक बॉम्ब, बट 44 टन TNT इज अ ह्यूज ह्यूज बॉम्ब। ये 2007 में रशिया ने डिस्प्ले किया था, जब अमेरिका ने अपना सो कॉल्ड फादर ऑफ ऑल बॉम्ब बनाया था, तो रशिया ने इसको डिस्प्ले किया था। और तब से ही माना जाता है कि रशिया के आर्सेनल में एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, और रशिया के पास कई सारे बॉम्ब। ऐसा माना जाता है 2 या 3 बॉम्ब डाले तो यूक्रेन घुटनों पर आ जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। बट ड्रॉबैक ये है, देयर बी अ लॉट ऑफ कोलैटरल डैमेज, काफी लोग जान से जाएंगे। अब आप इसको, अगर आप डिलीवरी की बात करें, तो रशिया के पास 2-3 रेंज ऑफ एयरक्राफ्ट है विच आर कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग दिस बॉम्ब। TU-M23M3 एक रेंज है, TU-95MS है, TU-160। ये 3 रेंज ऑफ एयरक्राफ्ट है, जिनमें से एक स्टेल्थ भी है, जैसे अमेरिका के पास है लॉन्ग रेंज बॉम्ब B-51, B-52। ये रशियन ऑल्टरनेट्स है विच कैन डिलीवर दिस बॉम्ब, और ये शायद अनडिटेक्टेबल है, और उनके उनके पास इतना पेलोड लेने की क्षमता है। अब आर्गुमेंट ये है कि भाई लोग देते हैं कि भाई वहां तो पेट्रोट मिसाइल शील्ड लगा है, और पता नहीं अमेरिका ने उन्हें क्या क्या दे रखा है। अगर ये रशियन बॉम्बर्स उठेंगे और यूक्रेन की तरफ जाएंगे, कीव की तरफ जाएंगे, क्या ये रशिया ने डिटेक्ट नहीं करेगा? तो पेट्रियट मिसाइल्स के होते हुए इज इट वाइबल टू एंटर यूक्रेन एंड टेक द रिस्क, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो अब इसमें क्या किया जाए, राइट? अब इसका रिप्लेसमेंट है एक रशिया के पास, उसका नाम है RS-28 स्मार्ट, SAMAT, स्मार्ट नहीं, सरमाट, SARMAT। ये एक मिसाइल है, जो पहले एक मिसाइल होता था रशिया के पास, SS-18 सैटन। अब इसका नाम इन्होंने सैटन 1 रखा, पहले इसका नाम होता था SS-8 सैटन। ये सोवियत तरह का मिसाइल है। इसको अभी सितंबर 23 में इंडक्ट किया गया है, रशियन मिलिट्री को हैंड ओवर किया गया है।
ये वन ऑफ द बेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स विद द लॉन्गेस्ट रेंज माना जाता है, और इसकी रेंज बहुत है, और इसके जो पेलोड कैरी करने की क्षमता है वो 10 टन है, और हमारा बम कितना है 7,100 किलो, तो उससे लगभग 3,000 किलो ज्यादा है। और इसमें ये भी माना जाता है अगर इसका आप पेलोड थोड़ा अल्टर करो, थोड़ा फ्यूल कम करो, बढ़ाओ, तो ये एक से ज्यादा वेपन्स भी कैरी कर सकता है, क्योंकि रेंज इसको बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है, मतलब रशिया से यूक्रेन तो हार्डली दूर है, और ये बहुत ज्यादा वेपन्स को कैरी कर सकता है, और इट कैन कैरी मल्टीपल वॉरहेड्स, तो इसमें कन्वेंशनल न्यूक्लियर वेपन जो मर्जी लगाइए। तो ये बहुत पोटेंशियल और खतरनाक हथियार रशिया के पास है, जिसको शायद पेट्रियट मिसाइल शील्ड इंटरसेप्ट ना कर पाए। तो दे हैव द ऑप्शन ऑफ यूजिंग दिस, दे हैव द ऑप्शन ऑफ यूजिंग द एयरक्राफ्ट फ्लीट व्हिच आई टोल्ड यू, इन दोनों से इसको डाला जा सकता है। अगर ये डाला गया तो आप मान लीजिए हजारों लोग, या मतलब वो एरिया, वो सिटी, वो शहर पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब इट इज अ छोटा मोटा न्यूक्लियर बॉम्ब कन्वेंशनली मेड। टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड जितना या उससे थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा इसका इम्पैक्ट आ सकता है, एंड रशिया हैज द मैकेनिज्म ऑफ डिलीवरिंग इट, और रशिया ने काफी वॉरहेड से रेडी भी कर लिया। अब ये मिसाइल 2023 के सितंबर में रशियन आर्मी को हैंड ओवर किया गया, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और अगर आप इसको देखें तो ये हो सकता है ये 2 या 3 वेपन भी डिलीवर कर ले, 2 तो कर ही सकता है विद ऑल्टरेशन इन द सॉलिड फ्यूल और रॉकेट के फ्यूल, थोड़ा पेलोड रॉकेट का घटा के यू कैन यूज द पेलोड टू कैरी द बॉम्ब। तो अगर ये 2 बॉम्ब अगर 2 बड़े शहरों पर डाले जाए तो यूक्रेन को घुटनों पर आने में टाइम नहीं लगेगा, और सारे का सारा हिसाब किताब धरा रह जाएगा इससे। बट इट इज स्टिल गुड न्यूज एंड यूज ऑफ अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड, जिसकी आपको और हमको चिंता रहती है, जिसकी संभावना अब भी बनी है। अब मैं आपको बताऊं, जब कुछ साल पहले कहना चाहिए, जब ये नेटो अपना सिस्टम बढ़ा रहा था और उसने की कोशिश कर रहा था यूक्रेन में, तो पुतिन ने कुछ वेपन सिस्टम अनाउंस किए थे, बोला भाई ये मेरे पास वेपन सिस्टम है और ये बहुत घातक है, एंड दिस विल बी वेरी डिट्रीमेंटल फॉर नेटो। उनमें अगर आप याद करें तो ये समार्ट एक वेपन सिस्टम था, सरमार्ट जिसकी आज हम बात करें, इस मिसाइल सिस्टम का एक वेपन सिस्टम था जो पुतिन अनाउंस कर चुके थे 2018 में, वाइल डेवलपिंग दिस। उसके अलावा मैं आपको बताऊं किंजल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है रशिया के पास, वो है। स्काईफॉल की बात हमने की थी, स्काईफॉल जो हमने कुछ दिन पहले मैंने आपको कवर समझाया था, जो अमेरिका ने साइलोज वगैरह डिस्कवर किए थे। उसके अलावा एक प्रेसिडियन और कैनियन है, ये एक न्यूक्लियर पावर टॉर्पीडो है। न्यूक्लियर पावर टॉर्पीडो मतलब इसकी रेंज अनंत है, ये कहीं से कहीं जा सकता है। न्यूक्लियर पावर टॉर्पीडो मतलब एक ओशन से लेकर दूसरे ओशन तक जाके छोड़ दो इसे, पैसिफिक में से मतलब अटलांटिक तक आ जाएगा, इतनी रेंज है इसकी। ये न्यूक्लियर पावर टॉर्पीडो बहुत पावरफुल टॉर्पीडो, और कहते हैं ये टॉर्पीडो इतना पावरफुल है कि इट कैन हिट एनी टारगेट। उसके अलावा रशिया ने एक न्यूक्लियर पावर्ड कड़फा सबमरीन ड्रोन तैयार किया है, मतलब ड्रोन जो सबमरीन के शेप में और न्यूक्लियर पावर्ड है, तो मतलब वो सुसाइड सबमरीन आप कह सकते हैं इसे। ये सबमरीन की भी रेंज अनंत है, और कहते हैं अगर ये कहीं हिट करेगी तो ये या जो टॉर्पीडो के बारे में कहा जाता है, ये करीब करीब इतनी बड़ी वेव लाएगा इससे सुनामी आ सकती है। पीछे रशिया ने यूके को धमकी दी थी और बोला भाई तुम तो आईलैंड हो, अगर तुम तो वो देखो आने वाले टाइम में डूबोगे, अगर जल्दी डूबना तो बोल दो, हम अपना एक टॉर्पीडो छोड़ देते हैं, न्यूक्लियर पावर टॉर्पीडो और ये आए सबमरीन, तो वो जो आपको कुछ दशकों बाद डूबना है वो अभी डूब जाओगे। तब से यूके ना थोड़ा टाइट रह गया, ये पहले कुछ 1 साल 1.5 साल पहले यूके को ऐसी धमकी दे चुका कि उनके पास ये टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी कितनी घातक है ये हमें नहीं पता, बट वी नो रशिया इज दिस टेक्नोलॉजी फॉर श्योर। उसके अलावा रशिया ने कुछ वेपन्स डेवलप किए हैं जिसे कहते हैं स्पेस लेजर वेपन्स। दीज वेपन्स आर इन स्पेस एंड वर्क ऑन द लेजर टेक्नोलॉजी और लेजर गाइडेड टेक्नोलॉजी। तो इसके बारे में ज्यादा खुलासा रशिया ने किया, बट दे हैव वेपन्स ऑन द स्पेस फॉर प्रिसाइस हिट्स ऑन यू नो थिंग्स एंड टारगेट्स। तो ये वाला भी उनके पास सिस्टम रेडी है। अगर आप इस सबके परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये गेम चेंजर हो सकता, पर यूक्रेन की लड़ाई को न्यूक्लियर
से एक स्टेप पीछे रखता है, क्योंकि अगर इसके बाद भी लड़ाई नहीं रुकी फिर तो न्यूक्लियर ही है। और ये भी हो सकता है ये एक स्मोक स्क्रीन हो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, रशिया ऐसा करता है कि भाई हम न्यूक्लियर व्यूक्लियर यूज नहीं करने वाले, पर वो न्यूक्लियर यूज करेंगे। देखिए जो प्रभु की इच्छा क्या करें। अब बात है मेरे चार प्रोडिक्शंस पे। देखिए मैं चार प्रोडिक्शंस आज करना चाहता हूँ। प्रोडिक्शन नंबर वन, आई एम स्ट्रेचिंग माय नेक आउट एंड गिविंग यू दोज प्रोडिक्शंस। प्रोडिक्शन नंबर वन, मुझे लगता है डीप स्टेट और डेमोक्रेट्स का जॉइंट वेंचर हो गया है और कमला हैरिस का आना लगभग लगभग तय हो गया। ट्रंप का कुछ न कुछ दाएं बाएं करके ट्रंप को आने नहीं देंगे। ये मोदी जी की सरकार को भी हटाने के पूरे पूरे जुगाड़ में लगे, पूरे पूरे जुगाड़ में लगे। तो अगर ये कमला हैरिस आती है, जो लग रहा है, अगर हाँ प्रभु की कुछ कृपा हो जाए, महाकाल को चमत्कार कर दे, तो अन्य बात दूसरी है। कमला हैरिस अगर आती है तो तीन और प्रोडिक्शंस होंगे। प्रोडिक्शन नंबर दो, पहला प्रोडिक्शन, कमला हैरिस इज कमिंग, दैट इज व्हाट डीप स्टेट एंड डेमोक्रेट्स वांट, और ये सारे वेस्टेड इंटरेस्ट एक साथ हो गए। दो ट्रंप जीत रहे हैं, ट्रंप के साथ लोग हैं, बट द इलेक्शन विल बी मैनिपुलेटेड, इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जाएगा, ट्रंप को रोका जाएगा और यहां मोदी जी को रोकने की पूरी पूरी कोशिश हो रही है। प्रोडिक्शन नंबर वन। प्रोडिक्शन नंबर टू, एक क्वार्टर के अंदर अंदर, या स्लाइटली प्लस माइनस वन क्वार्टर इज थ्री मंथ्स, यू विल सी रिसेशन हिटिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आपको ये विजिबली दिखेगा। ये मेरा प्रोडिक्शन है, तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपनी चीजों को जरा सही मत कीजिए। प्रेडिक्शन नंबर थ्री, बताऊं, प्रेडिक्शन नंबर थ्री है कि आने वाले दो से तीन क्वार्टर में वी भारत, इंडिया हैज टू टेक अ साइड। द सो कॉल्ड ब्यूटिफुल स्टेट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी विल नो लॉन्गर बी सस्टेनेबल। भारत को साइड लेना पड़ेगा। जियोपॉलिटिक्स की जल्दी बदल रही, मैंने इसका पूरा अध्ययन किया। इंडिया हैज टू टेक साइड्स, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी विल नॉट बी सस्टेनेबल विद इन थ्री क्वार्टर्स। और चौथी चीज, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रेडिक्शन, राइट, द ऑनलिंग। चौथा चीज, चार क्वार्टर प्लस माइनस अ हाफ क्वार्टर, वी हैव टू ऑल प्रिपेयर फॉर अ बिग वॉर व्हिच इज कमिंग, और इसमें काफी डिस्ट्रक्शन होगा, काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन है, वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन होगी, और इससे कोई नहीं रोक सकता। पहले मुझे लगता था 29 तक जाएंगे, पर अब जो स्थितियां दिख रही है मुझे, मुझे लग रहा है अगले साल 25। तो अगर कमला हैरिस आती है तो ये चार चीजें लाइन में आएंगी। कमला हैरिस, रिसेशन, इंडिया टेकिंग हैज टू टेक अ साइड, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमिक ऑप्शन ही नहीं बचेगा, और चौथा एक वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति आ जाएगी। वी हैव टू फाइट, वी हैव टू पार्टिसिपेट, ऑप्शन कुछ नहीं रहेगा। तो मेरा सजेशन आपसे ये है, जो भी आपकी फिलहाल इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको थोड़ा संयमित कीजिए। कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें 5 साल 10 साल का रिटर्न हो, थोड़ा रुकिए। नवरात्रों के बाद ही आप कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की सोचिए, मैं तो कह रहा हूँ। नवंबर वंबर के बाद देखते हैं, देखते तब तक क्या किस करवट में बैठता है। चौथी बात, आप अभी लिक्विडिटी मेंटेन कीजिए, गोल्ड मेंटेन कीजिए, गोल्ड विल डू वेल। गोल्ड बॉन्ड से ज्यादा आई विल रिकमेंड गोल्ड, राइट। तो कई ऐसी चीजें जो आपको करनी पड़ेगी, और बहुत बड़े लालच में और बहुत बड़ी लंबी प्लानिंग करने की आवश्यकता है। इस युद्ध के बाद देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर कमला हैरिस आती है, जिसका मुझे पूरा पूरा पीछा दिख रहा है, तो ये चार चीजें आपको आज दिखेंगी होती हुई। तो मैंने कहा मैं ये चार चीजें आपसे शेयर करूँ, मैं अपने थॉट्स आपसे शेयर करूँ। दिस नथिंग टू वरी, बट बी कॉशियस, कॉशन की जरूरत है। और एक बात बताइए, अपने लालच को ना थोड़ा संयमित कीजिए, अपनी ग्रीड को लिमिट कीजिए। साई इतना दीजिए कि मेरा कुटुंब समाए, आप न भूखा रह सको, संत न भूखा जाए। ये गोल्डन वर्ड्स है, समझे तो सोना, नहीं तो सब कुछ खोना। तो यही था आज का विचार, भारत विचार। मैं आपसे अब आज्ञा चाहूंगा और आपसे यही अपडेट लेके मिलता रहूंगा। गुड न्यूज ये है कि रशिया इसकी बात कर रहा, बट इट कैन बी इवन अ डिकॉय। लेट्स होप एंड सी व्हाट हैपेंस। और आप जानते हैं, जाने से पहले मेरा निवेदन आपसे क्या रहता है, मेरा निवेदन आपसे यही रहेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बढ़ने में हेल्प कीजिए, और मैं आपसे मिलता रहूंगा। कल मैं आपसे नहीं मिल पाया क्योंकि कहीं फंस गया था, और अनफॉर्चुनेटली आई गॉट स्टक, आई कुड नॉट डू, जबकि मेरा मन बहुत होता आपसे मिलने का। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता। चलिए अब आपसे आज्ञा लेते हैं आज के लिए, और आज के लिए मैं आपसे यही कहूंगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर 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 महादेव।